press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, सलमान भाई जान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं उनकी फिल्म भारत ईद के मौके पर रिलीज होकर इस फिल्म की लॉटरी लग गई है। वहीं इस फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। वहीं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया में कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पर इस फिल्म ने काफी अच्छी कलेक्शन की है, जैसे कि दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। दोस्तों, इन सिटीज में इस फिल्म ने कहां कहां कितनी कलेक्शन की है, वही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर RK और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दिल्ली NCR में मॉर्निंग टाइम में 65% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, आफ्टरनून में तकरीबन 90% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और इवनिंग टाइम में 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और वहां पर तकरीबन 1190 शोज रखे गए थे। तो ऑल ओवर अगर बात करें कि तो औसतन अभी तक सुबह से अभी तक की जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी है वो 83.33% देखी गई है, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में मॉर्निंग टाइम में 50% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, आफ्टरनून में तकरीबन 65% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और इवनिंग टाइम में 80% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और टोटल शोज की बात कर ली जाए तो मुंबई में 1340 शोज रखे गए थे। तो दोस्तों, इस तरह से मुंबई में ऑल ओवर 65% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी सुबह से अभी तक की देखी गई है। वहीं अगर बात करें पुणे में, तो पुणे में मॉर्निंग टाइम में 50% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, वहीं आफ्टरनून में 70% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और इवनिंग टाइम में भी 70% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और 510 शोज रखे गए थे। वहीं अगर बात करें ऑल ओवर इसकी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी सुबह से अभी तक की, तकरीबन 63.33% देखी गई है पुणे में। वहीं अगर बात करें बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में 65% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, वहीं अगर आफ्टरनून में तकरीबन 90% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी थी और 95% देखी गई थी इवनिंग टाइम में। तो दोस्तों, इस तरह से इस फिल्म को 83.33% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी सुबह से अभी तक और साथ ही बेंगलुरु में तकरीबन 450 शोज रखे गए थे। वहीं दोस्तों, अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में तकरीबन 85% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है मॉर्निंग टाइम में, वहीं 95% आफ्टरनून टाइम में और अगर बात की जाए इवनिंग टाइम में 96% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई है और वहां पर 420 शोज रखे गए थे। अगर ऑल ओवर अगर बात करें ऑडियंस ऑक्यूपेंसी की, औसतन तकरीबन 92% देखी गई है सुबह से अभी तक। वहीं अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में मॉर्निंग टाइम में 55% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और वहीं आफ्टरनून टाइम में 85% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और इवनिंग टाइम में 90% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और वहां पर 350 शोज रखे गए थे। वहीं अगर बात करें औसतन और ऑल ओवर ऑडियंस ऑक्यूपेंसी अभी तक की, तकरीबन 76.67% कोलकाता में देखी गई है। वहीं अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में मॉर्निंग टाइम में तकरीबन 30% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, वहीं आफ्टरनून टाइम में 50% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और इवनिंग टाइम में 50% देखी गई थी और वहां पर 410 शोज रखे गए हैं। तो इस तरह से वहां पर ऑल ओवर अगर औसतन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी की बात कर ली जाए तो 43.33% देखी गई है। वहीं अगर बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में मॉर्निंग टाइम में 25% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी और 95% आफ्टरनून में और इवनिंग टाइम में 95% और 110 शोज रखे गए थे और ऑल ओवर का बात करें तो 71.67% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी चेन्नई में। तो दोस्तों, इस तरह से ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि दिल्ली NCR में और बेंगलुरु में सबसे अच्छी इसकी कलेक्शन हो रही है और वहां से सबसे ज्यादा अच्छा कलेक्शन आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से दिल्ली NCR और बेंगलुरु में दोनों में टक्कर हो रही है। अगर बात करें तो हैदराबाद सबसे आगे निकल चुकी है ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के मामले में और कमाई के भी मामले में, लेकिन दोस्तों बता दें कि दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा शोज रखे गए हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म की जो कलेक्शन है दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा हो रही है, बेंगलुरु से भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों बता दें कि बेंगलुरु का जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी है और दिल्ली NCR का जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी है दोनों सेम है और काफी अच्छी कलेक्शन कर रही है। लेकिन दोस्तों बता दें कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई है और नंबर वन स्थान पर हैदराबाद आ चुका है। वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली NCR और बेंगलुरु एक दूसरे को टक्कर दे रही है। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई तीसरे स्थान पर आ चुका है, वहां पर 65% ही ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से कलेक्शन के मामले में हैदराबाद सबसे आगे है, उसके बाद दिल्ली NCR और बेंगलुरु एक दूसरे को टक्कर दे रही है, वहीं तीसरे स्थान पर मुंबई है। वैसे दोस्तों बता दें कि अभी तक 41 करोड़ का कलेक्शन रिपोर्ट आ चुका है, जो कि नेट कलेक्शन है। वहीं अगर बात कर ली जाए कि 48 करोड़ इसका इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन हो सकता है, अगर वर्ल्ड वाइड बात कर ली जाए तो तकरीबन 60 करोड़ तक जा सकती है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभी नाइट शोज बचा हुआ है तो इसका कलेक्शन कहां तक बढ़ सकता है, नीचे कमेंट्स में जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे ही मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।